और बताओ, और कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ, ये शरीर, शरीर की दर्द अगर है तो डॉक्टर को पूछना पड़ेगा ना, बना हुआ है। डॉक्टर मिट्टी की दवाई देगा, मिट्टी में जो, भगवान तो ठीक नहीं करेगा, भगवान आत्मा के अंदर। अब ये शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? अंदर पाप है, वो शरीर के द्वारा बाहर आ रहा है ना। दोनों जगह बीमारी है, शरीर के भी आत्मा के। अभी शरीर के लिए डॉक्टर की दवाई ले लो, नहीं तो रोज जो चूना खाते हैं ना, तब कैल्शियम कम होता है, चूना थोड़ा एक महीने तक छाछ में, दही में, किसी में डाल के थोड़ा सा चूना खा लो, ठीक है एक। फिर डॉक्टर की दवाई, आयुर्वेदिक दवाई ले लो, मसाज तेल करो, तो करना पड़ेगा, शरीर है। दूसरा, सवेरे शाम आके ज्ञान सुनो, यहाँ बैठ के ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे करना वो बताता हूँ, तो उससे इधर का पाप मिटना चाहिए, नहीं तो यहाँ दवाई लगाया, हाँ आज ठीक हो गया लेकिन पाप इधर है, कल इधर शुरू हो जाएगा। कहना डॉक्टर भी बीमारी मिटा नहीं सकता है, बीमारी यहाँ है, वो यहाँ की बीमारी शरीर के द्वारा बाहर आती है। तो यहाँ भी दवा करना है और यहाँ दुआ करना है, दवा और दुआ दोनों चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए ज्ञान ध्यान आत्मा के लिए, दवा शरीर के लिए। क्योंकि दवा शरीर के अंदर बीमारी क्यों आई? अंदर पाप है, वो बाहर आएगा। समझ में आया? अब बताओ और कुछ।